कहते हैं जो बिजली के बगैर चल सकता है। आप जो चाहे सवाल पूछे मैं हाजिर हूँ। कंप्रोमाइज उन्हें करना पड़ेगा उस क्वालिटी के ऊपर, शायद उन्हें को चार पैसे बच जाएंगे। अब वो जो एक तो आपको सस्ती पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, एक बार लाओ पढ़ ले। एक दोस्त का सवाल था, वो एक मशीन हमने बनाई जिसे हम सेमी ऑटोमेटिक कह लें, कटर कहते हैं या मैनुअल कटर कहते हैं, जो बिजली के बगैर चल सकता है। उन्होंने पूछा कि जो उसका टेक्निकल सवाल था कि ये जो जिस पे हम उसकी ड्राइव दे रहे हैं, मोशन दे रहे हैं, वो हमने किस पे चलाया। पहले मैंने सोचा कि मैं उन्हें जवाब दूँ या ना दूँ, यानी हाँ मैंने उनको जवाब दे दिया। उसने पूछा ये चार थे ड्राइव किस पे चली है, तो वो हमने बता दिया कि बुश के ऊपर चली है। बुश दो मुख्य किस्म के होते हैं, एक जो है वो कापर का इस्तेमाल किया जाता है और एक जो है वो देख का। वो डिपेंड करता है कि हमने कितनी प्रोडक्शन से ले रही है। लेकिन जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि आप जो चाहे सवाल पूछें मैं हाजिर हूँ। असल में ये जो टेक्निकल सवाल है इसका जवाब इसलिए भी बाज़ हम नहीं दे रहे होते या नहीं देना चाहते, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग होते हैं नए, वो सिर्फ इस जमन में कि शायद उन्हें को चार पैसे बच जाएंगे। अब वो जो मैं इसी की आपको एग्जांपल देता हूँ, जो मशीन जिसके बारे में उन्होंने पूछा वो पहली बार बनाने लगे थे तभी उन्होंने हमसे पूछा ना। दूसरा, उस मशीन की कीमत सिर्फ 75,000 रुपये, 75,000 है उसकी कीमत। अब उसका जो मटेरियल है वो तकरीबन 50,000 रुपये के नज़दीक अप्रॉक्सीमेट उसका मटेरियल है। अब 20,000 रुपये पीछे बच गया। अब उस 20,000 के अंदर तकरीबन 7 दिन उन्हें काम करना पड़ेगा, कोई वेल्डर या खराद वाला ढूंढना पड़ेगा, फिर उससे भी काम करवाएंगे, कोई 10-15,000 रुपया वो भी लेगा। और अब जब ये खुद 7 दिन उसके साथ लगेंगे, स्ट्रगल करेंगे, उसे समझाएंगे, बताएंगे, पहली बार बनाने में वे चीज़ भी वैसी नहीं बन पाएगी। जब चीज़ वैसी नहीं बन पाएगी तो वो कंप्रोमाइज उन्हें करना पड़ेगा उस क्वालिटी के ऊपर जो हमारी एक्सपर्टीज थी, जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन से बनाते हैं। वो एक बार नहीं बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब 200 बार अल्हम्दुलिल्लाह हम बना चुके हैं, ये कोई भी और बना चुका है। तो उससे जब आप वो ले लेंगे तो एक तो आपको सस्ती पड़ेगी, उसी उसके ऊपर किसी भी किस्म का क्वालिटी का कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आप जो भी चीज़ जो है, जो भी आप अपनी एफर्ट लगाना चाहते हैं, जो नए लोग हैं वो बजाय इसके कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपनी एफर्ट लगाने के, आप असल जो है अपना फोकस सेल के ऊपर रखिए। 100 बनाने चाहो तो इनशाला वो बन जाएगा, ना बन रहा हो तो हम हाजिर हैं। आप जो भी उसमें कोई कम्प्लिकेशन आ रही है आप हमसे पूछिए, हम हाजिर हैं, इसलिए बताएंगे। दूसरा, सेल के ऊपर फोकस करें, कोशिश करें कि शॉप टू शॉप जाए, जो उसकी जो छोटी शॉप है उसके ऊपर जाके सेल करें, एक प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ जाएगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह, और रिपीट जो है उसके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट कंज्यूमर ने लेना है, इस्तेमाल करने वाले ने लेना है। जब वो इस्तेमाल करने वाला लेता है, अगर वो चीज़ उसे पसंद आती है तो वो जल्दी रिपीट आ जाती है। फ़र्ज़ कीजिए करें, अगर वही चीज़ आप किसी होलसेलर को देते हैं तो वो होलसेलर सबसे पहले तो वो सोचेगा कि मुझे किसी और साबुन से ज़्यादा सिमिल से पैसे बचते हैं। अगर बचते हैं तो फिर वो आपको कहेंगे, वो एक मौका देगा। और जब वो मौका देगा, पहली तो जब आप उसने रेट ज़्यादा मतलब कम करवाया आपसे, तो आपको क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको बचेगा नहीं। अगर बचेगा तो फिर आप अगली बार जो है वो मतलब कह लें कि उसकी रिपीट आने के चांसेस कम हो जाएंगे। बाकी किसी भी दोस्तों को भी मशीनरी चाहिए हो, किसी को मस्ता हो, वो रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।